पत्रकार वार्ता करते हुए कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कांगड़ा की कला, संस्कृति एवं ऐतिहासिक के पहलुओं से लोगों को रूबरू करवाने के लिए कांगड़ा जिला में पहली से 30 नवंबर तक त्रिगत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी त्रिगत क्षेत्र की कला, संस्कृति एवं इतिहास से अवगत करवाने के लिए उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश की जानी मानी हस्तियां सुरीली आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी। साथ ही हिमाचली गायक, साहित्यकार एवं रंगमंच के कलाकारों को भी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संदीप कुमार ने उत्सव के कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम पहली से 5 नवंबर तक साय 5:30 से 7 बजे तक धर्मशाला कॉलेज सभागार में लोक एवं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 नवंबर को गायक मालिनी अवस्थी आवाज का जादू बिखेरेंगी। 2 को सारंगी वादक उस्ताद मुराद अली खान प्रस्तुति देंगे। 3 को नृत्यांगना पद्मश्री चित्र विश्वेश्वरन की शिष्य कुमारी जय कोहनी और कुमारी विजया बिट्टल शास्त्रीय नृत्य एवं 4 नवंबर को हिमाचली लोक संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रम होंगे। वहीं 5 नवंबर को मशहूर बांसुरी वादक रोनू मजुमदार प्रस्तुति देंगे। 12 नवंबर को 2 बजे CSIR सभागार पालमपुर में तथा 6 को 2 बजे राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन संस्था एवं निफ्ट की सहयोग से कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहली से 5 नवंबर तक कांगड़ा लघु चित्रकला की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। निफ्ट संस्था के सहयोग से 22 नवंबर को कहानी पाठ और स्कूलों में ड्रामा प्ले आयोजित किए जाएंगे। वुडलैंड सोसाइटी अंद्रेटा के सहयोग से स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 16 से 18 नवंबर तक रेड क्रॉस मेले के दौरान धर्मशाला पुलिस मैदान में चीड़ की पत्तियों के बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके तहत 1 नवंबर को प्रातः 10 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट और साय 4 से 6 बजे तक धर्मशाला शहीद स्मारक में लोक नृत्यों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ट्रिगर्स फेस्टिवल जिला कांगड़ा में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल की जो रूपरेखा है उसमें हमने स्थानीय जो हमारा कल्चर है उसको उजागर करने की कोशिश की है। साथ में ही कुछ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट जो है उनको बाहर से बुलाया है, जिससे कि स्थानीय कलाकारों को उनसे रूबरू होने का मौका मिले। ये एक्टिविटीज 1 नवंबर से गगल एयरपोर्ट में जो हमारी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग की एग्जीबिशन लग रही है और निफ्ट की जो एग्जीबिशन लग रही है उसकी शुरुआत से होगा। इस एग्जीबिशन का शुरुआत और इस त्रिगर्त फेस्टिवल की शुरुआत माननीय श्री कृष्ण कपूर जी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुबह 10 बजे 1 नवंबर को करेंगे। इसके साथ साथ 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक हमारी जो है वो कल्चरल सांस्कृतिक संध्याएं हैं जो कि कॉलेज के ऑडिटोरियम में धर्मशाला में होगी। तो इसमें हमारे बड़े प्रोमिनेंट इंटरनेशनल नेशनल फेम के जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें आ रहे हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ ये एक्टिविटीज़ का स्प्रेड जो है वो पूरे जिला में कहीं ना कहीं हमने रखा गया है। कुछ बच्चों के कार्यक्रम हमने इसमें नियोजित किए हैं। बिलिंग तक जो है वो एक्टिविटी चल रही है। जो धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वो भी ट्रिगर्स फेस्टिवल का ही एक पार्ट है। सर, इस जो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सारे निःशुल्क होंगे, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? जी, पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास है, जिन लोगों ने इसमें परफॉर्मेंसेज देनी है। लेकिन यदि कोई फ्रीलांसर या जिसको कह सकते हैं कि कोई आके हमें कहे कि मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहूंगा, तो उसके लिए भी हम प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध करवा देंगे। कांगड़ा में कौन कौन से स्थान रहेंगे जहाँ ये ये एक्टिविटीज मुख्यतः हमें धर्मशाला में ही प्लान करनी पड़ रही है क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। इसके अलावा वीर बिलिंग तक ये एक्टिविटीज है और एक कैलेंडर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे जो है वो ट्रूप्स जाएंगे। हमने कोशिश की है कि हम ज्वालाजी को भी कवर करें, पालमपुर को भी कवर करें, बैजनाथ को भी कवर करें, इस तरह से हमने स्प्रेड किया। सर, को मुख्य कलाकार मैं थोड़ा पढ़ के बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जरूर।